ये अपना जो ये हमारा आंदोलन है, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, हमें तो सरकार को रेजिस्टर देना था। अगर सरकार इन तीन दिनों में हमारी बात पर नहीं बात की, हम रूपरेखा बना रहे हैं कि हम एक तारीख से रूप कर सकते हैं। अभी ये सभी संचालक है हमारे पेड़ घूम में आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, हम आपको पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितेश गल्ला एंड यू वाचिंग नितेश गल्ला ब्लॉग। तो आज है डेट 27 सितंबर है। आज पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ई पास का क्या सीन है। जिन लोगों के पास ई पास है वही लोग आना जा पा रहे हैं, और जिन लोगों के पास ई पास नहीं है उनको वेट करना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास सेम डेट की ई पास है अगर वो लोग नहीं पहुँचते फिर जो कि बाकी लोगों को भेज दिया जाएगा। तो जो कि मॉर्निंग से लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, जिन लोगों के ई पास नहीं है वो लाइन पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी ई पास रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इन लोगों के पास ई पास है, ये वाली लाइन है। इन लोगों के पास जो है कि आज की डेट का ई पास है, और जिन लोगों के पास ई पास नहीं है ये लाइन सुबह से लगी हुई है। आदमी यहाँ पे सुबह से खड़े हुए हैं, और ये देख लीजिए यहाँ पीछे तक पूरी लाइन है। और इन लोगों के पास ई पास नहीं है, इन लोगों को जो कि शाम को भेज दिया जाएगा जब आज की डेट की जो बुकिंग फुल हो जाएगी। मैं आज 27 तारीख है, जो आज के लोग पूरे आएंगे या नहीं आएंगे वो टाइमिंग है, उस टाइमिंग पर लोग आज नहीं पहुँचेंगे, आज की डेट के लोग नहीं पहुँचेंगे तब इन लोगों को भेज दिया जाएगा। तो भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, तो भीड़ शाम तक ऐसे रहने वाली है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोकल लोग हैं, मतलब यहाँ के सारे लोकल लोग हैं। जिन लोगों के घोड़े कच्चर है, जिन लोगों की दुकानें, आज पूरी स्ट्राइक है। आज जो कि पूरे घोड़े कच्चर बंद है केनाथ रोड के, कोई भी घोड़े कच्चर यात्री नहीं ले जाएंगे, और कोई भी दुकान जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी लोग जो है अपने होटल या लॉज नहीं खोलेंगे। आज लोगों को जो कि यात्रियों को खाना पीना नहीं मिलेगा, आज स्ट्राइक है इन लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वो भी ई पास को लेकर है। यात्रियों की संख्या जो बढ़नी चाहिए, 800 यात्री जो कुछ भी नहीं होते हैं, तो इसलिए आज सब स्ट्राइक है, सारी दुकानें बंद हैं, यात्राएं आज ऐसे ही भूखे हैं सारी लाइन पे। हम भी भूखे हैं, हमने भी खाना नहीं खाया है। तो मीटिंग चल रही है यहाँ पे, ये सारे लोकल लोग हैं यहाँ पे, ये गाड़ियाँ भी निकलेगी रैली लेके यहाँ से। 2 या 3 बजे उन लोगों का नंबर आएगा, जब उनको लगने लगेगा कि आज के ई पास वाले नहीं आ रहे हैं, सेम डेट वाले नहीं आ रहे हैं, फिर जाके उन लोगों का नंबर आएगा, और उसमें से 800 यात्री जो है कि केदारनाथ जा पाएंगे। तो अभी भी ऐसे ही सीन है, अगर आपके पास ई पास है तो आप जा सकते हो, नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब वो बता नहीं सकते कितना दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ई पास वाले यात्री को तो भेज रहे हैं। ई पास वाले अगर ज़्यादा यात्री आएंगे, समझ लो अगर 700 यात्री आते हैं तो कुछ 100 लोगों को भेज दिया जाएगा जिनके पास ई पास नहीं है, क्योंकि एक दिन में 800 यात्री उनको पूरे करने हैं, तो वो ऐसे में हो जा रहे हैं। तो आज 27 सितंबर है, तो पूरी आज स्ट्राइक है केदारनाथ घाटी की, जो है आज पूरी स्ट्राइक है, घोड़े खच्चर वालों की स्ट्राइक है, जिन लोगों की दुकान होटल है लॉज है उन लोगों की सारी स्ट्राइक है। अब आगे वीडियो देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि सारे लोग जो कि स्ट्राइक की हुए है, दुकानें बंद की हुई है, घोड़े खच्चर कुछ नहीं चल रहे हैं, वो ई पास के लेकर है, वो आप लोगों के लिए जो व्यापारी हैं उनके लिए ई पास की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि 800 यात्री में किसी का भी कुछ नहीं हो रहा है। 800 यात्री कहाँ चले जाते हैं उसका पता नहीं चल रहा, क्योंकि इतना बड़ा धाम है केदारनाथ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसलिए जो कि आज स्ट्राइक की हुई है कि ई पास को लेकर, कि ई पास की संख्या जो कि बढ़नी चाहिए, सारे लोग जो कि आज अपने घरों में बैठे हुए हैं, मतलब दुकान किसी ने नहीं खोली, अपने जो घोड़े खच्चर लेके कोई भी नहीं किए, सारे लोगों ने अपने दुकान धंधे जो कि बंद किए हुए हैं, और हम भी जो कि सुबह से परेशान हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता हमारा जो है कि होटल में होता है। तो जब हम मॉर्निंग को उठे तो बस यही सोच रहे कि आज खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि दुकानें तो बंद हैं, क्योंकि दिन का खाना और रात का खाना हम अपने रूम में बनाते हैं, लेकिन सुबह को टाइम नहीं मिल पाता है तो सुबह को जो कि होटल में खाते हैं। और सुबह में यही सोच रहे खाना कहाँ खाएंगे, खाना कहाँ खाएंगे, खाना कहाँ खाएंगे, लेकिन बोलते ना दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने का नाम, हम ऑफिस में बैठे हुए थे कई बातें करें खाना कहाँ खाएंगे। तब तक जो एक यात्री आ गए, उनके पास इतना बड़ा उनके पास इतनी बड़ी पेटी थी, उन्होंने पूरे सैंडविच रखे हुए थे, वो लेके आए और हमारे यहाँ पर रख दिया, मतलब हमारे ऑफिस में रख दिया। तो बोला जो भी आएगा उनको खिला देना, मतलब अरे कर्मचारी थे वहाँ पे ऑफिस के जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने खाया। इसलिए बोलते हैं दाने दाने पर लिखा रहता है खाने वाले का नाम, हम सोच रहे थे खाना कहाँ खाएंगे आज, तब तक जो है खाना आ गया। तो ये जो कहावत है कि ये देखने को मिली सामने सामने पे, तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ यार ऐसा होता है, तो ये देखे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद जो कि बाहर पर स्टाके चल रही थी, वहाँ पर जो सारे लोकल लोग इकट्ठे हो गए थे, आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर आप यहाँ पर आइए। सभी व्यवसायियों के द्वारा ई पास के
आज यहाँ पर सभी लोग अपने व्यवसाय प्रतिष्ठानों को बनकर मेरे बच्चे संचालकों ने अपने व्यवसाय को बनकर अपना विरोध प्रकट किया है। मुख्य पड़ाव अंतिम पड़ाव सोमप्रयाग में हमारा जो ये प्रदर्शन होगा आपकी पास के द्वारा का तो भी नीचे वापस से ऊपर रूम में आ गए हैं। यहाँ पे जो खाना खुना बन रहा है, खाना खुना बनाते हैं अपना, फिर जाके आज जो है हमारी छुट्टी है, छुट्टी समझ लो क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा काम है नहीं। फिर सुबह में जो है कि क्योंकि मॉर्निंग को जो है कि घोड़े खच्चर वालों ने बुकिंग करवाई नहीं, कोई भी यात्री घोड़े से ऊपर नहीं गया क्योंकि आज स्ट्राइक थी घोड़े वालों की, तो पर्ची कटी नहीं। तो हम भी सुबह से ऐसे बैठे हुए हैं, हम जल्दी भी रूम पर आ गए तो भी खाना खुना बनाते हैं। मैं तो खाना नहीं बनाता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ एक अंदर ये खाना बनाता है, बस कमरे पर आता हूँ अपना थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ, उसके बाद नीचे चले जाते हैं, खाना खाएंगे उसके बाद नीचे जाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पेड़ जो कि माल्टे का पेड़ है, तो देख लीजिए माल्टे कितने बड़े बड़े हो गए, लेकिन अभी ये पके नहीं है, और पक जाएंगे तो काफ़ी बड़े होंगे। तो घर में भी कुछ ऐसा ही सीन होगा अभी माल्टे का, घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं अभी, जो खेतों में हमारा मंडवा रहता है वो हमने निकाल दिया है घर में, जो कि उनमें उसे जो कि बीज निकाले जाते हैं वो ब्लॉग हम बना नहीं पाएंगे, कल थोड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करें, काम भी ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, फिर पैसा नहीं कमाएंगे तो आगे कैसा चलेगा, तो पैसा भी ज़रूरी है। घर का काम जो आपको नहीं दिखा पा रहे, जो पहाड़ में होता है आजकल वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, इसी चीज़ में थोड़ा दुख लग रहा है, लेकिन क्या करें, पेट का सवाल है, पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि शौक़ भी पूरे करने हैं, थोड़ा बहुत घर भी चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हर जगह करना होता है, तो यही है, यही सब चल रहा है। आपको घर वाली वीडियो देखनी है, कई लोग जो हमारे साथ नए जुड़े हैं आपको पहाड़ की लाइफस्टाइल देखने हैं कि पहाड़ के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक पहाड़ का लड़का जो होता है जो मिडिल क्लास फैमिली से आया होता है कैसे जो अपने शौक पूरे करते हैं, वो आप देख सकते हैं, वो हमारे पुरानी पहाड़ी लाइफ ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं, और लाइफ स्टाइल ब्लॉग में वो आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग हमने बनाए हुए हैं, पुराने ब्लॉग आप देख सकते हैं, आपको ही मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो आप कमेंट जरूर करें कि हम ये वाली वीडियो से उन पुरानी वीडियो में गई है, मेरे को भी देख के अच्छा लगेगा कि हाँ लोग खाली केदारनाथ के बारे में नहीं जानना चाह रहे, थोड़ा बहुत हमारी जो पहाड़ की लाइफस्टाइल है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप पुरानी वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो कि ब्लॉग की एंडिंग भी कर लेते हैं क्योंकि बाद में जो कि टाइम नहीं मिल पाता है, फिर मेरे को फ़ोन से जो एंडिंग करनी पड़ती है, जो क्वालिटी थोड़ा डाउन आती है तो कभी कभी जो है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अभी जो कि आज के ब्लॉग लोग सुंदर रखते हैं, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आए हो, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी ब्लॉग देखने के लिए तो आपको मिलता है फिर से दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप उनको तो आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, और आप फॉलो कर सकते हैं।